Everybody, this is the first revisional class for Negotiable Act. आप एक middle horizontal page लिख सकते हैं और मेरे साथ लिख पाएंगे इसे. तो दो पेज में मैं सारा लिख पाने वाला हूं. एक चीज बड़ी क्लियर है, नेगोशिएबल एक्ट में बच्चों कितने सेक्शन थे, तो स्वाभाविक है रिविजन आज किसकी होगी, 148 सेक्शंस की होगी. तो एक आधा कोई सेक्शन बीच में रह गया हो अगर, स्वाभाविक है आज वो भी रिवाइज हो जाएगा. राइट बेटे? सो गाइस, अगर हम सेक्शन वन में आए तो उसमें काम की एक ही आइटम थी, और वो आइटम थी ये एक्ट कौन सी तारीख से शुरू हुआ. तो हम मतलब की बात लिखेंगे. तो डेट थी कौन सी, 1 मार्च 82, और सेक्शन वन में दूसरी काम की आइटम थी ये एक्ट नहीं लगेगा. दो बातें थी, करेंसी एंड हुंडी पे ये एक्ट नहीं लगेगा. और हुंडी आपको याद हो, हुंडी क्या था, एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन वो कौन सी लैंग्वेज में है, लोकल लैंग्वेज में है. सेक्शन नंबर टू हमारे बीच में नहीं रहा, ये रिपील हो गया है, ऑमिट हो गया है. सेक्शन तीन, बेटा बैंकर का मीनिंग था, और उसने कहा था बैंकर में साथ में इंक्लूड कौन हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक. क्लियर? सेक्शन चार एंड पांच हमें साथ में लेने चाहिए, क्योंकि ये दोनों प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज पे हैं, और इसको याद रखने के लिए हमने एक कोड की पढ़ी थी, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह की यूपी में एक वॉल है. ये थी एक कोड की जिसे अभी हम भर रहे हैं. एस से सेक्शन ही था. क्लियर? पी से पार्टीज. तो आपको याद हो प्रॉमिसरी नोट में दो थी, बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन थी. प्रॉमिसरी नोट में एक पार्टी थी मेकर, जिसने पैसे देने हैं, पेई जिसने लेने हैं. आपने लिखना हो थोड़ा एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, मैं थोड़ा इसको लंबे में नहीं लिख रहा हूं, रिवीजन करा रहा हूं. और पेई सर्टन होना चाहिए था. बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉअर होता है जिसने लेने हैं, ड्रॉई जिसने देने हैं, एंड ड्रॉई हमेशा क्या होना चाहिए, सर्टेन बाय नेम पोजिशन और इंडिकेटेड विथ सर्टेनिटी. और तीसरा पेई, और ध्यान दीजिए ड्रॉअर में भी पेई एज वेल, तो दो पार्टियां भी हो सकती हैं. एम से आपको याद हो ये मनी में होंगे, और मनी से रिलेटेड पॉइंट था, मनी प्रिसाइज होनी चाहिए, कितने पैसे. एस से दोनों में स्टैंप ड्यूटी एज पर स्टैंप इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 के मुताबिक लगेगी. दोनों में ही आप कोई कंडीशन डाल नहीं सकते, लेकिन दो एक्सेप्शन थी, टाइम ऑफ पेमेंट, हैपनिंग ऑफ श्योर इवेंट. पी से प्रॉमिस टू पे वर्ड होना चाहिए. प्रॉमिस नोट में एक एक्सेप्शन थी, इलस्ट्रेशन, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड टू बी इन रुपीज 1000 टू बी पेबल ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड. लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर टू पे वर्ड होना चाहिए. दोनों में ही राइटिंग जरूरी है. और ए से एक्सेप्टेंस सिर्फ कहां चाहिए, बिल ऑफ एक्सचेंज में चाहिए. और एल से लाइबिलिटी थी मेकर की, जो कि प्राइमरी सॉरी प्रॉमिसरी नोट में प्राइमरी थी, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में सेकेंडरी थी. एवरीबॉडी गॉट? सेक्शन 6 में बेटा चेक था, और चेक में थी दो बातें, मींस एंड इंक्लूड्स. एंड बेटा मींस में थी तीन बातें, चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, प्लस ये ड्रॉन किसके ऊपर होता है, बैंक के ऊपर, प्लस ऑलवेज पेबल ऑन क्या होता है बेटे, डिमांड. क्लियर?
तो आप देख रहे हैं मैं 100% रिविजन करा रहा हूं और 100% लिख रहा हूं, सिर्फ क्या है थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो जिस बच्चे ने क्लासेस लगाई हैं उसको बहुत अच्छे से ये याद होना ही चाहिए। एंड इंक्लूड्स में थी दो बातें, एक ट्रंकेटेड चेक, और ट्रंकेटेड क्या होता था, जो कन्वर्ट होता था पेपर से किस में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्लियरिंग के दौरान, बैंक ही करता था। एंड दूसरा इलेक्ट्रॉनिक चेक है जो ओरिजिनली किस में इशू होगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू होगा, चाहे उसमें एसीमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम हो या ना हो, बायोमेट्रिक्स दिस एंड दैट। देन बेटा सेक्शन 7 में आपने पढ़ा एक्सेप्टेंस, और उसके थे 4 एसेंशियल। एक्सेप्टेंस में पहली बात राइटिंग में होगा, वर्ड एक्सेप्टेड जरूरी नहीं है, आपने साइन करने हैं चाहे वो बैक पे करें या फेस पे करें। तीसरा आप केपेबल होने चाहिए, एंड चौथा इंस्ट्रूमेंट की क्या होनी जरूरी है, डिलीवरी। सेक्शन 8 में बेटे होल्डर था और उसमें थी दो बातें, एक आपके पास पोजेशन है प्लस ई आपके पास एंटाइटलमेंट, पोजेशन प्लस एंटाइटलमेंट। और सेक्शन 9 बेटे HDC होल्डर इन ड्यू कोर्स, 6 बातें थी, पोजेशन प्लस एंटाइटलमेंट प्लस कंसीडरेशन प्लस बिफोर मैच्योरिटी प्लस कंप्लीट प्लस गुड फेथ। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कि बाद में गर्लफ्रेंड बना दो इसे GF को, क्लियर है, तो वो आपके ऊपर है आप कैसे लिखना चाहें। देन बेटे सेक्शन 10 में था पेमेंट इन ड्यू कोर्स, 4 बातें थी, एज पर अपारेंट टेनोर जैसे लिखा है नाम अमाउंट डेट, प्लस मनी में प्लस गुड फेथ प्लस कोई आपकी तरफ से नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 11 में हमने पढ़ा इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट में थी दो बातें, पहली बात आपका ये इंस्ट्रूमेंट बना है मेड इन इंडिया एंड या प्लस कहें, दूसरी बात में थी दो बातें, ये बना है किसके ऊपर, या तो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया के ऊपर या फिर क्या हो ये पेबल हो कहां, इन इंडिया। और अगर इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो सेक्शन 12 में क्या बन गया, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट बन गया। सिंपल आंसर है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं, मतलब वो ऊपर वाली कंडीशन फेल अगर हो जाए। 13 में देखिए आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा, 13 में ही आपने बेरर इंस्ट्रूमेंट पढ़ा, बेरर में थी आपकी दो बातें, एक्सप्रेस्ड है टू बी पेबल किसको, टू बेरर, जो साफ लिखा है जिसके पास है उसको पैसे दे दीजिए। और बेटा लास्ट जो एंडोर्समेंट है इज इन व्हाट ब्लैंक, और दूसरी बात इसी में थी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, और उसमें भी यही बातें थी, जहां एक्सप्रेस है पैसे किसको देने हैं, स्पेसिफाइड पर्सन को देने हैं जिसका नाम लिखा है, और हिज ऑर्डर जिसका मतलब है जिसको वो आगे देना चाहे। तो आपको याद होगा बेरर चेक के हिसाब से देखें, आईडी नहीं चाहिए, ऑर्डर में चाहिए। देन चेक के हिसाब से देखें दोनों की पेमेंट ओवर क्या होगी, काउंटर होगी। सेक्शन 14 आपको याद हो हमने किसके ऊपर पढ़ा था, नेगोशिएशन के ऊपर, तो हमने कहा था नेगोशिएशन किसने करी, होल्डर ने करी, क्यों करी, टू कॉन्स्टिट्यूट अदर पर्सन एज व्हाट, होल्डर। पंद्रह में आपको याद हो हमने पढ़ा एंडोर्समेंट, और एंडोर्समेंट में हमने कहा बेसिकली कहें तो इसका मतलब है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, तो दो कंडीशन थी, डिलीवरी के साथ क्या होने जरूरी है, साइन, हमने SD कहा था, S प्लस D, साइन प्लस डिलीवरी। देन बेटे 16 में हमने पढ़ा ब्लैंक या फिर फुल
एंडोर्समेंट, ब्लैंक आप सारे जानते हैं, एंडोर्सी का नाम नहीं लिखा और फुल में लिखा है। 17 आपको याद हो एम्बिगुस इंस्ट्रूमेंट पे था, और बेटा यहां कितनी बातें थी, चार में से कोई भी एक बात। तो इसमें पहली बात थी हमें श्योरिटी नहीं है कि ये प्रॉमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज ड्यू टू टेक्निकलिटी इन्वॉल्व्ड इन वर्ड्स। तो आपकी मर्जी है, इसे जो मर्जी मान लीजिए। देखिए मैंने तो शॉर्ट में वर्ड लिख दिया अनश्योर, प्रॉपर पूरी लाइन जरूर बोल दी। या फिर नंबर दो क्या था, ड्रॉर एंड ड्रोई क्या है, सेम पर्सन है, दोनों के दोनों सेम पर्सन है। और बेटा तीसरी बात क्या थी, ड्रॉई क्या है, या तो वो फिक्टिशियस है, और चौथी बात क्या हो गई थी, या ड्रॉई क्या है, इन कॉम्पिटेंट। देन बेटा सेक्शन नंबर 18 आपको याद हो तो इसपे क्या था, डिस्क्रिपेंसी है किसमें, वर्ड्स में एंड फिगर्स में, क्लियर है। तो किसकी चलेगी, वर्ड्स टू प्रिवेल। देन बेटा 19 में आता है आपका डिमांड इंस्ट्रूमेंट, और हमने कहा डिमांड इंस्ट्रूमेंट कब होगा, जब टाइम नहीं बताया, टाइम नॉट स्पेसिफाइड। और बेटा 20 में था आपका इनक्वेट, जिसका मतलब क्या था, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, जहां चार कंडीशन थी, पहला SDCI, अगर आपको याद हो ये कोड की दी थी, आपने साइन किए हैं SD, डी से डिलीवरी करी है, S से स्टैम्प ड्यूटी लगी है, एंड I से वो क्या है, इनकम्प्लीट है। देन 21 में हमने डिमांड एंड टाइम दोनों के ऊपर बात करी थी, डिमांड इंस्ट्रूमेंट टाइम इंस्ट्रूमेंट। डिमांड में हमने यहां तीन पॉइंट बनाए थे, जब वर्ड क्या लिखा हो, पेबल ऑन व्हाट, पेबल ऑन डिमांड या एट व्हाट साइट या ऑन व्हाट प्रेजेंटमेंट, राइट गाइस। और टाइम में भी हमने चार बातें करी थी, पहली क्या बात है, पेबल आफ्टर फिक्स पीरियड, उदाहरण क्या था, 2 महीने, पेबल ऑन स्पेसिफाइड डे, जिसका मतलब 10 दिन के बाद, तीसरा पेबल आफ्टर व्हाट, आफ्टर साइट था, एंड चौथा था ऑन द हैपनिंग ऑफ श्योर इवेंट, एग्जाम्पल डेथ। देन बेटे सेक्शन 22 था, और 22 था आपका मैच्योरिटी डेट कहो या ड्यू डेट कहो, जिस दिन इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, पेबल होगा। और हमने कहा था अगर ये टाइम इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें आप क्या करें, 3 दिन क्या ले लें, ग्रेस डेज। देन बेटे 23 था इंस्ट्रूमेंट पेबल आफ्टर सो मैनी मंथ्स, तो हमने क्या कहा था, ड्यू डेट निकालने के लिए क्या ले लें, कॉरस्पॉन्डिंग डे, याद आ गया। और इफ नो कॉरस्पॉन्डिंग डे तो क्या ले लें, लास्ट डे ऑफ मंथ। अब बेटा आप समझिए, जो मुझसे पढ़े हैं आप लोग ये, वो क्या इस तरह से लिखना अच्छी यूटिलिटी है, हाँ या ना, कि 2 पेज में ही आपको लिखा मिल जाएगा, बात खत्म। चलिए बेटा सेक्शन 24 अगला आता है, पेबल क्या था, आफ्टर सो मैनी डेज, तो हमने कहा था यहां क्या करें, एक्सक्लूड कर दें क्या, डेट ऑफ ड्रॉल, जिस दिन इंस्ट्रूमेंट बना है उसको काउंटिंग में ना लें। 25 में बेटा हॉलीडे था, और हॉलीडे को हमने 2 भाग में तोड़ा, अगर वो पब्लिक हॉलीडे है या सडन या इमरजेंसी है तो पब्लिक के में हमने क्या लेना था, प्रायर डे लेना था, 26 जनवरी 15 अगस्त 2 अक्टूबर संडेज, और सडन में क्या लेना था, नेक्स्ट डे, जैसे हमने कहा था डेथ ऑफ अ नेशनल लीडर या कोई बंद वगैरह जब घोषित हो जाते हैं, बंद समझते हैं ना। ओके देन 26 में बेटा हमने इनकॉम्पिटेंट पर्सन या माइनर के लिए कहा था, तो हमने कहा था माइनर क्या हो सकता है, पार्टी प्राइमरली लायबल नहीं हो सकता, नहीं बट बाकी सब हो सकता है।
वो प्रॉमिसरी नोट में पे ही हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉर इंडोर्सर सब हो सकता है, बस वो पार्टी प्राइमरी लाइबल नहीं होगा। एंड 27 में बेटा हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जब साइन करने हैं तो साइन कौन कर सकता है, आपका ऑथराइज्ड एजेंट, चाहे आपने ना करने हो। 28 में हमने इसी एजेंट की क्या पढ़ी, लाइबिलिटी हमने पढ़ी, लाइबल नहीं, दो सिचुएशन पढ़ी थी। पहला क्या, इफ विद इन अथॉरिटी, उसने जो भी काम किया है विद इन क्या किया है, अथॉरिटी ही किया तो लाइबल नहीं होगा, और समवन, किसी ने उसे क्या किया, इंड्यूसेस हिम टू साइन ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, क्या आप कर दीजिए, तो वो लाइबल नहीं होगा। देन 29 में हमने पढ़ा था लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर साइन करेगा तो वो क्या होगा, लाइबल होगा, किसके लिए होगा, फुल अमाउंट के लिए होगा, अनलेस क्या करे वो, रिस्ट्रिक्ट्स टू द वैल्यू ऑफ एसेट्स इनहेरिटेड। ठीक है बेटा, तो अगर आप ये मेरा पन्ना देखें तो लगभग 30 सेक्शन कह लीजिए, तो मैं इस एक पेज पे 100 सेक्शन लिखने वाला हूं, क्योंकि आप मेरा पेज देख सकते हैं, तो 1/3 ऑफ मेरा पेज हुआ है। आप इसका प्रिंट आउट भी अगर लें, जो कि मैं नहीं दूंगा, तो 1/3 पेज हुआ है। सोचिए हम क्या नहीं कर सकते। और ये तो बच्चों ये हुआ 29। इसके बाद सेक्शन नंबर 30 आता है बेटे, और सेक्शन नंबर 30 में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था लाइबिलिटी किस की, ड्रॉर की। और ड्रॉर आपको पता हो बच्चों दो जगह आता है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज में और एक चेक में। बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ड्रॉर है स्वाभाविक है उसकी लाइबिलिटी क्या होगी, सेकेंडरी, और चेक में लाइबिलिटी हमेशा क्या होगी, प्राइमरी। देन बेटा हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 31, ये पढ़ा था हमने लाइबिलिटी किसकी, ड्रॉई की, और यहां ड्रॉई का मतलब क्या था, पेइंग बैंक की लाइबिलिटी, और उसका ग्राउंड क्या था, उन्होंने क्या किया, रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक, जबकि अगले के अकाउंट में क्या थे, सफिशियंट फंड्स थे, राइट बेटा। देयर आफ्टर बिल्कुल 31 के बाद 32 आता है, ऐसे आप रिवीजन करवाओगे तो उसका तो क्या फायदा है। सो 32 में हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कहा मैडम आपने, पता है आपको। सो 32 में हमने पढ़ी लाइबिलिटी किसकी, मेकर की, हमने लाइबिलिटी किसकी पढ़ी, एक्सेप्टर की। नेचुरल है जब मेकर की बात कर रहे हैं तो प्रॉमिसरी नोट हुआ, यहां क्या हुआ, बिल ऑफ एक्सचेंज, तो इनकी लाइबिलिटी क्या है, प्राइमरी है। देन बेटा 33 कहता है ड्रॉई कौन होगा, सॉरी एक्सेप्टर कौन होगा, तो नेचुरल है एक्सेप्टर कौन होगा, ड्रॉई होगा, या ज्वाइंट ड्रॉई भी कह लीजिए, इसी में हमने पढ़ा था एक्सेप्टर कौन, नेचुरल है ड्रॉई है, ज्वाइंट ड्रॉई भी हो सकता है। और 34 में हमने यही पढ़ा था अगर आप क्या है ज्वाइंट ड्रॉई हैं तो साइन कौन करेगा, ऑल, अनलेस आप क्या है, पार्टनर्स। ठीक है जी। देन बेटा 35 में आता है लाइबिलिटी किसकी, ऑफ एंडोर्सर, नेचुरल एंडोर्सर किसकी तरफ लाइबल है, अपनी सबसीक्वेंट पार्टीज की तरफ, उसके बाद वाली पार्टीज, टुवर्ड्स सबसीक्वेंट पार्टीज। देन बेटा 36 एचडीसी जो है मे स्यू ऑल या एनी ऑफ व्हाट प्रायर पार्टीज। देन बेटा सेक्शन 37, इट वॉज वेरी नाइस वन, और हमने ये जोड़ा सा सेक्शन किया था क्लास में, तो मैं चाहूंगा इसे जरूर याद रखें, इस प्रकार से जोड़े के रूप में कपल केस था ये।
तो हमने 37 में क्या पढ़ा था, हमने एक वर्ड पढ़ा था प्राइमरी डेटर, याद है, या प्राइमरी लायबिलिटी कह लो। तो प्राइमरी डेटर कौन कौन होंगे, नेचुरल है जिनकी प्राइमरी लायबिलिटी है, तो वो कौन हुए, प्रॉमिस नोट में मेकर हुआ, बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन हुआ, एक्सेप्टर हुआ, और चेक में कौन हुआ, ड्रॉअर हुआ। क्लियर। और 38 में हमने किसके ऊपर बात करी थी, हमने को श्योरिटीज की बात करी थी। तो हमने 38 में कहा था श्योरिटीज के बारे में, क्या कहा था, ईच श्योरिटी, बेस एग्जाम्पल को याद रखे से याद कीजिएगा, एक्स वाई ए बी सी, ईच श्योरिटी लाइबल एज व्हाट, प्राइमरी डेटर किसके तरफ, टुवर्ड्स सबसीक्वेंट पार्टीज। तो जैसे अगर आप बेस एग्जाम्पल में देखते हैं एक्स वाई ए बी सी, तो कहने का मतलब है अगर हम ए की बात कर रहे हैं तो ए यहां क्या बनता है, श्योरिटी बनता है, और हर श्योरिटी लाबल है एसपीडी टुवर्ड्स व्हाट, सब्सिक्वेंट पार्टीज। तो ए किसके लिए लाबल हुआ, एसपीडी बी की तरफ। क्लियर। सो देयर आफ्टर 39 में हमने क्या पढ़ा था, इसी श्योरिटी का नेचर ऑफ लाइबिलिटी पढ़ा था। तो हमने कहा था भाई साहब ये कुछ नहीं है, ये कौन सा लॉ लगेगा, लॉ ऑफ गारंटी, क्योंकि ये बीच वाले लोग, हमने 38 में ही पढ़ा था कि वो सारे एक्स वाई एबीसी वाले एग्जाम्पल में लें और वाई एंड सी को देखें, तो सारे बीच के लोग क्या हो गए थे उसके लिए, को श्योरिटीज। अरे याद है, ओके। 40 में आपको पनीर वाला एग्जाम्पल याद हो, 40 में क्या था, डिसऑनर, सॉरी हाँ हाँ डिस्चार्ज, चलिए डिश वर्ड आ गया, डिस्चार्ज ही है, डिस्चार्ज किसका, ऑफ एंडोर्सर फ्रॉम लाइबिलिटी, वो अपनी लाइबिलिटी से बच जाएगा अगर इफ होल्डर क्या किया उसने, स्ट्राइक्स आउट हिज रेमेडी किसकी तरफ, टुवर्ड्स प्रायर पार्टीज। तो आप इसको किस अंदाज में याद रखें कि बेस एग्जाम्पल रिकॉल करें, एक्स वाई ए बी सी वाला, और क्या किया सी ने, पनीर का पीस गिरा दिया ए पे और ए वर्ड हट गया, तो बी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज, क्योंकि उसने उसकी रेमेडी डिस्ट्रॉय करी है। देन बेटा सेक्शन नंबर 41, सो सेक्शन नंबर 41 किससे डील करता है, फोर्स्ड एंडोर्समेंट, किससे डील करता है, फोर्स्ड एंडोर्समेंट पे डील करता है। तो चाहे एंडोर्समेंट पे फोर्जरी हुई हो, एक्सेप्टर स्टिल क्या होगा, लाइबल होगा। तो मैं बता दूं, जब हम पढ़ रहे थे नेगोशिएबल एक्ट, एक आधा सेक्शन बीच में रह भी गया होगा, तो ये उनमें से था, शायद मैंने पढ़ाया भी हो, लिखवाया ना भी हो, तो मैंने अलग से इसे हाईलाइट कर दिया है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एक्सेप्टर की तो प्राइमरी लाइबिलिटी है, उसको तो पैसे भरने ही पड़ेंगे। 42 बेटा याद हो तो हमने पढ़ा था फिक्टिशियस इंस्ट्रूमेंट पे, और हमने कहा था फिक्टिशियस इंस्ट्रूमेंट में कौन फिक्टिशियस है, ड्रॉर या पे या फिर बूथ, दोनों के दोनों क्या है, आर फिक्टिशियस। देन बेटा 43 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट क्या था, कॉन्सिडरेशन। तो अगर कॉन्सिडरेशन नहीं है, ये हमने एचडीसी के प्रिविलेजेस में पढ़ा था, तो अगर विदाउट कॉन्सिडरेशन है तो नेचुरल है एज ए ड्रॉई, आप ड्रॉर की तरफ लाइबल नहीं हो, लेकिन एचडीसी को पैसे देने पड़ेंगे। 44 क्या था, पार्शियल फेलियर ऑफ मनी कॉन्सिडरेशन। तो इसमें हमने एक उदाहरण लिया था, 400 रुपए देने हैं लेकिन बिल कितने का एक्सेप्ट हुआ, 500 का, तो ड्रॉअर की तरफ आप 400 के लिए लाइबल हो, लेकिन एचडीसी को कितने पैसे भरोगे आप, पूरे के पूरे 500। 45 पार्शियल फेलियर ऑफ कंसीडरेशन नॉट कंसिस्टिंग ऑफ मनी, जहां हमने उदाहरण लिया था कि आपने लाल किला चावल देने हैं, या तो दिए गए पीला किला या लाल किला कम दिया गया, तो एचडीसी को आप पूरे भरोगे लेकिन ड्रॉर की तरफ आप उतने ही अमाउंट के लिए लाबल हो। तो ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों सेक्शन हमने एचडीसी के लिहाज से गहराई में पढ़े थे। देन बेटा
46 पे हमने पढ़ा डिलीवरी, और हमने उसमें एस्क्रो पे भी कंडीशनल डिलीवरी की भी बात करी थी, वो भी याद रखिएगा। और डिलीवरी में हमने उसकी टाइप्स बताई, एक्चुअल एंड व्हाट, कंस्ट्रक्टिव, हमने कंस्ट्रक्टिव को एक्नॉलेजमेंट भी कहा, अटोनमेंट भी कहा, इंटीमेशन भी कहा, एक्चुअल मीन्स सिंपल पकड़ा देना किसी को। और यहां एक खूबसूरत हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पढ़ी थी कि अगर एक टुकड़ा दे दिया गया है क्या दूसरा देना पड़ेगा, द आंसर इज नो, क्योंकि डिलीवरी क्या होनी जरूरी है, डिलीवरी कंप्लीट होनी जरूरी है, वरना क्या हुआ पता ही नहीं लगेगा। क्लियर? देन बेटा 47 एंड 48 डिलीवरी से रिलेटेड था, तो हमने कहा था अगर बेयरर इंस्ट्रूमेंट है तो उसका नेगोशिएशन हो जाएगा, कैसे, मेयर डिलीवरी से, और जबकि अगर वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो उसका नेगोशिएशन कैसे होगा, डिलीवरी प्लस एंडोर्समेंट, और एंडोर्समेंट का मतलब ही क्या था, साइन। 49 में हमने पढ़ा कन्वर्जन, किसका बेटा, ऑफ ब्लैंक एंडोर्समेंट इनटू व्हाट, फुल, तो जिसका मतलब है हमने एंडोर्सी का नाम भर दिया, और भरने से वो किस में कन्वर्ट हो गया, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में, बेरर से वो ऑर्डर में आ गया। देन बेटा सेक्शन नंबर 50 खूबसूरत था, हमने यहां पढ़ा था रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, तो रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट में क्या हुआ, आपने आगे किसके ऊपर रोक लगा दी, रोक लग गई किसके ऊपर, फर्दर नेगोशिएशन नहीं हो सकता, जैसे आपने कहा पेबल टू एक्स ओनली फॉर द अकाउंट ऑफ एक्स ओनली फॉर माय यूज, अगर आपको याद हो ये इलस्ट्रेशन हमने पढ़ी थी। देन 51 हमने पढ़ा एंडोर्समेंट बाय हुम, तो नेचुरल है एंडोर्समेंट कौन करेगा, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट होगा वही करेगा बेटा। एंड 52 हमने काफी गहराई में पढ़ा था क्वालिफाइड एंडोर्समेंट या कंडीशनल कह लो, तो कुछ आपने कंडीशन लगा दी है, तो हमने यहां चार प्रकार की पढ़ी थी, सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट, यहां आना ना दोबारा, या एंडोर्सर पूरी लाइबिलिटी से क्या हो गया था, रिलीव। नंबर दो था सेंस फ्रेस, यहां वो सिर्फ चार्जेस से रिलीव हुआ। देन फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट में बेनिफिट एंडोर्सी को मिलता है, एंडोर्सर ने अपने राइट छोड़ दिए जैसे नोटिस ऑफ डिसऑनर। एंड चौथा कॉन्टिंजेंसी बेस्ड एंडोर्समेंट, जैसे हमने कहा था पैसे मिलेंगे जब ट्रक वाला आ जाएगा। देन बेटा 53 एक खूबसूरत सेक्शन था, प्रायर डिफेक्ट्स क्या हो जाएंगे बेटा, धुल जाएंगे, प्रायर डिफेक्ट्स क्लेंस पर्स्ड हो जाएंगे द मोमेंट इंस्ट्रूमेंट किसके हाथ में आ गया, किसके हैंड्स में आ गया, एचडीसी, चाहे वो पासिस थ्रू द हैंड्स ऑफ एचडीसी, होल्डर को भी पैसे मिल जाएंगे, चाहे उसे फ्रॉड का पता है लेकिन वो खुद क्या नहीं होना चाहिए, पार्टी टू फ्रॉड नहीं होना चाहिए। तो इसलिए केस पढ़ा था हमने एक गुलफोर्ड ट्रस्ट लिमिटेड वर्सेस ग्रॉस क्रेडिट बैंक, तो मैं देखिए बोल सब कुछ रहा हूं, एक आधी आइटम लिखने में छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं भी इंसान हूं। तो 54 बेटा आपने किस पे पढ़ा, अगेन आपने ब्लैंक या जनरल एंडोर्समेंट कहो या स्पेशल या फुल एंडोर्समेंट, तो जनरल या ब्लैंक एंडोर्समेंट, जहां हमने एंडोर्सी का नाम नहीं डाला। देन बेटा 55, चाहे जनरल ब्लैंक एंडोर्समेंट है तो 55 क्या कहता है, 55 कहता है कि भाई साहब एक्सेप्टर तो हमेशा क्या रहेगा, लायबल रहेगा ही रहेगा चाहे एंडोर्समेंट क्या है, ब्लैंक है जनरल है। एंड 56 हमने पढ़ा था किसके ऊपर, पार्शियल एंडोर्समेंट पे, तो हमने कहा था पार्शियल एंडोर्समेंट क्या होती है, इनवैलिड होती है, लेकिन एक्सेप्शन थी अगर कुछ पैसे मिल गए हैं और कुछ नहीं मिले हैं तो रेसिडुअल अमाउंट के लिए उसका क्या हुआ है,
एंडोर्समेंट, याद है 1000 रुपए का था, 300 मिल गए तो 700 की एंडोर्समेंट हो सकती है। देन बेटा 57, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट नेगोशिएट, वो नेगोशिएट नहीं कर सकता है किसी से बाय डिलीवरी। फॉर डिजीज्ड व्हाट एंडोर्सर, तो अगर कोई मर गया है तो सिंपल उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिलीवरी से इंडोर्स नहीं कर सकता। 58 हमने एचडीसी पे ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन्ड बाय व्हाट अनलॉफुल मीन्स, फ्रॉड वगैरह या कुछ भी हो तो ये एक्सक्यूज नहीं मिलेगा, आपको एचडीसी को पूरे पैसे भरने ही पड़ेंगे। 59 में था, अगर आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिसीव होता है आफ्टर व्हाट मैच्योरिटी डेट, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये क्या हो गया इंस्ट्रूमेंट, आउट ऑफ ड्यू कोर्स हो गया। देन बेटा 60 हमने पढ़ा, जो नेगोशिएशन कहें या एंडोर्समेंट कब तक हो सकती है, टिल पेमेंट, या हमने वर्ड इस्तेमाल किया था सेटिस्फेक्शन, तो जब तक पैसे पे ना हो जाए एंडोर्समेंट नेगोशिएशन हो सकती है, इवन आफ्टर व्हाट मैच्योरिटी डेट, ये हमने पढ़ा था। लेकिन कौन नहीं कर सकता, खुद जो पार्टी प्राइमरली लायबल है। देन बेटा अगला आप कंसेप्ट याद करो, तो 61 से 77 सारा किस पे गया था, प्रेजेंटमेंट पे गया था, 61 से 77। सो ये आपको पता होना चाहिए 61 से 77 फुल टू कंसेप्ट किस पे था, प्रेजेंटमेंट पे था। आइए देखें, तो 61 क्या कहता था भाई, किसकी प्रेजेंटमेंट, प्रेजेंटमेंट किस चीज की, बिल ऑफ एक्सचेंज की, कौन से वाले की, आफ्टर साइट वाले की, किस काम के लिए, फॉर एक्सेप्टेंस। देन 62 में क्या था बेटा, प्रॉमिसरी नोट था, आफ्टर साइट वाले था, लेकिन इसका पर्पस क्या था, फॉर डिटरमिनिंग व्हाट ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट निकाली जा सके। और 63 में क्या था, ड्रॉई को यहां मिलते हैं फॉर डेलिब्रेशन, कितने, 48 घंटे, नेचुरल है किसके लिए, एक्सेप्टेंस के लिए। देन 64 में प्रेजेंटमेंट हुई थी किस काम के लिए, फॉर पेमेंट, अगर आपने पैसे लेने हैं तो इंस्ट्रूमेंट तो पेश करना पड़ेगा। देन 65, तो 65 में हमने पढ़ा था घंटा, आवर्स फॉर प्रेजेंटमेंट, तो हमने कहा था ये घंटे क्या होने चाहिए, बिजनेस आवर्स होने चाहिए। 66 में हमने पढ़ा था टाइम फॉर प्रेजेंटमेंट, और हमने कहा था टाइम फॉर प्रेजेंटमेंट का मतलब क्या है, ऑन व्हाट मैच्योरिटी डेट, ये जरूरी है आप पेश करें। 67 में हमने पढ़ा प्रॉमिसरी नोट पे था, ये प्रॉमिसरी नोट किसमें पेबल है, अगर इंस्टॉलमेंट्स में है तो आपने उसे प्रेजेंट करना है, नो डाउट 3 दिन का क्या मिलता जाएगा, ग्रेस पीरियड। देन बेटा 68 में हमने प्लेस पढ़ा, प्लेस ऑफ प्रेजेंटमेंट क्या होगा, जो भी आपने क्या किया है स्पेसिफाइड किया है, लेकिन अगर वहां पेश नहीं हुआ, इफ नॉट तो क्या होगा, वहां पेश नहीं किया तो क्या हो जाएगा, ऑल पार्टीज क्या हो जाएंगी, डिस्चार्ज। देन 70 में अगर प्लेस क्या नहीं है, नॉट स्पेसिफाइड, तो आप कहां पेश करेंगे, जहां उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है या फिर जहां उसका घर है, और अगर ये दोनों चीज नहीं है तो जोन से भी खोपचे में वो मिले, अगर नहीं तो वेयर एवर ही कैन बी फाउंड। देन बेटा 72 ये चेक से रिलेटेड थे कि चेक प्रेजेंट करना जरूरी है, किसको, प्रेजेंटमेंट
ऑफ चेक जरूरी है किस लिए, टू मेक ड्रॉर व्हाट लाबल, तीन महीने में पेश करोगे तो ही 138 में ड्रॉर की लाबिलिटी होगी। और 73 सी का रिवर्स था, टू मेक अदर पार्टीज क्या लाबल, तो भी पेश करना जरूरी है। एंड 74 में हमने पढ़ा था डिमांड इंस्ट्रूमेंट पे, तो हमने कहा था डिमांड इंस्ट्रूमेंट आप क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे कितने टाइम में, रीजनेबल टाइम में। और ये रीजनेबल टाइम कहां से स्टार्ट हुआ था, व्हेन रिसीव्ड, किसके द्वारा, बाय होल्डर, जिस दिन आपको मिला उसके मिलने के रीजनेबल टाइम में। और 75 था प्रेजेंटमेंट कौन करेगा, प्रेजेंटमेंट बाय या टू, तो हमने सिंपल आंसर दे दिया था साहब, होल्डर करेगा या उसका क्या हो सकता है एजेंट, या क्या हो सकता है एलआर, या क्या हो सकता है ऑफिशियल रिसीवर अगर आप क्या हो गए हैं इंसॉल्वेंट। देन बेटा एक 75 ए बी था, यहां डिले क्या हो गया था आपको, एक्सक्यूज हो गया था अगर सरकमस्टांसेस क्या है बियॉन्ड कंट्रोल है, और दूसरी बात आपकी तरफ से क्या नहीं है, कोई negligence नहीं है, नो negligence। देयर आफ्टर 76 में यह आपको एक्सक्यूज था फॉर प्रेजेंटमेंट, पेश करने की जरूरत नहीं है। और मैंने इसको दो पार्ट में इजी कर दिया था, एक तो वो हमें इंटेंशनली क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है, दूसरा वो हमारा वो क्या कर देता है, बंद कर देता है अपना क्या प्लेस ऑफ बिजनेस, शटर हमें देख के, याद आ गया। देन हमने कुछ पॉइंट और भी पढ़े थे, अनट्रेसेबल है वो, और हम उसकी दुकान पे जाते हैं हमें क्या मार देता है, इग्नोर कर देता है, गोली डाल देता है। देन 77 था, ये था बिल सेंट किसको, टू बैंक फॉर कलेक्शन, तो हमने कहा था बैंक क्या हो जाएगा, लाबल हो जाएगा अगर उसकी तरफ से क्या है नेग्लिजेंस है, अगर उसने पेश नहीं किया, हे ईश्वर। देन 78 पेमेंट मिलेगी, कौन देगा किसको देगा, टू बाय, बाय आप जानते हो जो आदमी लाबल है, टू पेमेंट किसको मिलनी चाहिए, पेई को, होल्डर को, ठीक है। देन हमने इंटरेस्ट के ऊपर पढ़ा था 79 में, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, स्पेसिफाइड है तो वो लग जाएगा, लेकिन अगर वो स्पेसिफाइड नहीं है तो सेक्शन 80 में पढ़ा था 18% पर एनम ब्याज होगा, क्लियर। देन बच्चों 81 में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, पेमेंट कब मिलेगी, पेमेंट तभी मिलेगी अगर आप अगले को इंस्ट्रूमेंट क्या कर देते हैं, हैंड ओवर, दैट इज उसकी डिलीवरी कर दें। 82 हमने डिस्चार्ज ऑफ पार्टी पे पढ़ा था, एक पार्टी अपनी लाइबिलिटी से बच जाएगी, कब बच जाएगी, अगर पहली बात सारे जानते हो उसको वेव कर दिया गया, या एग्जाम्पल था हमारा सेंस रिकोर्स क्या एंडोर्समेंट, या डिस्चार्ज ऑफ पार्टी कब हो जाएगी अगर उसने अपनी तरफ से क्या कर दी अपनी पेमेंट, या एक पार्टी को किसी ने क्या कर दिया है रिलीज कर दिया है। और 83 फिर से अगर आपको याद हो किस पे था, 83 सेम था जैसे आपने कौन सा सेक्शन पढ़ा था 63, आपने कितने घंटे दे दिए थे ड्रॉई को, मोर देन 48 आवर्स, अगर आपने ड्रॉई को दे दिए हैं 48 घंटे से ज्यादा, तो हमने कहा था हम इसे क्या मान लेंगे, हम इसे डिसऑनर मान लेंगे। देन 84 वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें क्या था, अनरीजनेबल क्या है, डिले है इन प्रेजेंटेशन, किस चीज का, इन प्रेजेंटेशन ऑफ चेक, और आपके अनरीजनेबल डिले से रिजल्टिंग क्या है, लॉस हो रहा है किसको, ड्रॉर को, तो वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था बैंक क्या हो गया इस दौरान, इंसॉल्वेंट हो गया। 85 खूबसूरत था, दो हिस्से थे उसका, सबसेक्शन 1 था और 2 था,
85 में बेसिकली क्या थी, प्रोटेक्शन मिलती है किसको, पेइंग बैंक को. तो प्रोटेक्शन थी पेइंग बैंक को. लेकिन सबसेक्शन वन में क्या था, अगर चेक क्या है, पेबल टू ऑर्डर है. और 85 दो में क्या था, ओरिजिनली एक्सप्रेस्ड टू बी पेबल टू क्या है, बेयरर है. तो मेन 85 में क्या निकला, प्रोटेक्शन टू व्हाट, पेइंग बैंकर. और यहां ध्यान दीजिएगा, मैंने एक प्रश्न लिया था, वंस अ बेयरर ऑलवेज बेयरर, कमेंट ऑन दिस व्हाट स्टेटमेंट. तो यहां सेक्शन 13 रेड विद 46 एंड रेड विद 85 हमने एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन किया था बुकलेट में, तो प्लीज वो मत भूलिएगा, चाहे साथ में लिख लीजिएगा. 85 ए याद कीजिए, हमने किया था बैंक ड्राफ्ट पे कि ये क्या है, कुछ नहीं है, एक ऑर्डर है जो किसने ड्रॉ किया, एक ब्रांच ऑफ बैंक ने किसके ऊपर, अनदर ब्रांच ऑफ व्हाट, सेम बैंक. देन बेटा 86 वॉज वेरी नाइस वन, ये था आपका क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस पे, कर सकता है ड्रॉई लेकिन किसकी कंसेंट से, होल्डर की. और हमने कहा था अगर वो नहीं देगा कंसेंट तो हम इसे मान लेंगे डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस. और इसके दो इम्पैक्ट थे, दो इम्पैक्ट क्या थे, या तो उसकी लाइबिलिटी होगी सब्जेक्ट टू व्हाट कंडीशन, जैसे एक उदाहरण किया था पेबल व्हेन इन फंड्स, या क्या हो जाएगा रिडक्शन इन लाइबिलिटी, जैसे 500 रुपए का बिल था, अगले ने कहा मैं एक्सेप्ट कितने में कर रहा हूं, 400 रुपए में. देन सेक्शन 87 आता है, 87 हमने पढ़ा था मटेरियल ऑल्ट्रेशन पे, तो हमने कहा था ऐसी कोई ऑल्ट्रेशन होगी तो लीगल राइट्स पे फर्क पड़ेगा, इसलिए इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा. हमने कहा था मटेरियल ऑल्ट्रेशन कब होगी, एक कोड की करी थी डर कमिश्नर ऑफ पुलिस से, जिसमें डी का मतलब था डेट, ए का अमाउंट, आर का रेट ऑफ इंटरेस्ट, सी से कलेक्टिंग बैंक का नाम, पी से पे का नाम, एस से स्टाम्प ड्यूटी. लेकिन हमने कहा था परमिटेड ऑल्ट्रेशन कब होगी, आईसी, एक एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, इंसर्शन ऑफ वर्ड और ऑर्डर, इनकम्प्लीट से कंप्लीट किया, सी से क्रॉसिंग आफ्टरवर्ड, सी से जनरल से स्पेशल या विद कंसेंट. देन बेटा 88 एक्सेप्टर जो होगा और इंडोर्सर जो होगा, ये नॉर्मल सेक्शन हमने किसी क्वेश्चन में नहीं किया हुआ, 88 वाला बोल दूं मैं, एक्सेप्टर होगा, इंडोर्सर होगा, बाउंड होंगे. क्यों, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं 35 में इंडोर्सर की लाइबिलिटी थी, क्लियर है, और 32 में एक्सेप्टर की लाइबिलिटी थी, दे आर बाउंड. तो बाउंड मींस लाइबल होंगे चाहे क्या हुई हो, ऑल्ट्रेशन हुई हो, प्रीवियस क्या हुई है, ऑल्ट्रेशन. मतलब आप एक्सेप्टर हो, आपने एक्सेप्ट किया है बिल, आपको पैसे तो देने पड़ेंगे जो भी आपने एक्सेप्ट किया है. और इंडोर्सर अगर आप हो तो आप आगे किसी को दे रहे हो, तो आप अपनी पेमेंट से बच नहीं सकते, ये कहते हुए कि क्या हुई है, ऑल्ट्रेशन. 89 हमने अच्छा पढ़ा था, 89 किस पे था, ऑल्ट्रेशन क्या नहीं थी, नॉट अपेरेंट, लेकिन हमने कहा था इससे क्या होगा, पेइंग बैंक क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, कि 500 रुपए है चेक पे, उसने 1500 बना लिए. और 90 हमने पढ़ा था, अब दोबारा डिस्चार्ज ऑफ पार्टी था, बिकमिंग क्या हो गया, आप होल्डर अगेन, आपका इंस्ट्रूमेंट घूम फिर के किसके पास आ गया, आपके पास आ गया. विद दिस मैंने 3 कॉलम में लिखा है और आपके सामने है, मेरा यहां एक पेज खत्म होता है. हाँ कोई बात नहीं, देख लीजिए, क्लियर है, परफेक्ट. सो मेरी तरफ से 1.5 पेज में मैंने लगभग सारा रिवीजन या लिखवाने जा रहा हूं. ओके, चलिए मैं आगे मूव कर रहा हूं, एक मिनट नहीं दे पाऊंगा, 2 सेकंड है, मेरे खुद हाथ की हालत इतनी खराब हो गई है, उंगली पूरी दब चुकी है, मेरे पास समय नहीं है ज्यादा, आई एम मूविंग. चलिए, सॉरी, आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम. सो बेटा 91 सेक्शन हमने पढ़ा, बड़ा अच्छा सेक्शन था ये, हमने पढ़ा डिसऑनर हुआ था, बिल हुआ था, और बिल की वजह क्या थी, नॉन एक्सेप्टेंस. और यहां मैंने बड़े खूबसूरत पॉइंट आपको कहे थे
कि ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज गलती मत कीजिएगा। इसके कारण क्या हो सकते हैं? इसके कई कारण थे जिसमें से हमने एक पढ़ा कि भाई क्या हुआ, आपने ड्रॉइंग ने एक्सेप्ट करना था लेकिन वो 48 आवर्स क्या हो गए, लैप्स हो गए, एक वजह थी। देन एक से ज्यादा ड्रॉइ थे, सेवरल थे और साइन सभी ने नहीं किए, पार्टनर होता तो अलग बात थी। या फिर क्या हुआ, ड्रॉर क्या है, फिक्टिशियस है, या फिर ड्रॉर क्या है, सॉरी ड्रॉई जो है फिक्टिशियस है या ड्रॉई क्या है, इनकॉम्पिटेंट है। देन हमने उसे काफी ढूंढा लेकिन वो क्या है, अनट्रेसेबल है, भाई मिला ही नहीं। और एक और बचा, क्वालिफाइड क्या थी, एक्सेप्टेंस। 92 में हमने पढ़ा डिसऑनर बाय व्हाट, नॉन पेमेंट, आपने पैसे नहीं दिए, फर्क इतना है। एक्सेप्टेंस सिर्फ किसमें होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज में, जबकि नॉन पेमेंट में कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। 93 से अगर आप 98 रिकॉल करो तो ये एक ही कॉन्सेप्ट पे था, ये था नोटिस ऑफ डिसऑनर पे। तो 93 ने कहा था नोटिस कौन देगा, किसको देगा, ऑब्वियसली होल्डर देगा, किसको देगा, जिससे आपने पैसे लेने हैं, डेट इज प्रायर पार्टी। 94 में हमने तरीके पढ़े थे, तरीके क्या हो सकते हैं साहब, वो राइटिंग भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, पोस्ट से भी हो सकता है। 95 में था ड्यूटी, आप आगे से आगे क्या करते जाइए, ट्रांसमिट करते जाइए। 96 में था अगर एजेंट को नोटिस मिला है तो वो आगे नोटिस रीजनेबल टाइम में किसको देगा, प्रिंसिपल को। 97 में था अगर जिसको नोटिस देना है उसका डेथ हो गया लेकिन अगर आप क्या हो, इग्नोरेंट हो, तो हम इसे क्या मान लेंगे, वैलिड मान लेंगे। 98 सबसे इंपॉर्टेंट था, स्टार ले सकते हैं, यहां नोटिस देने की जरूरत नहीं थी। कारण क्या है, मैंने सिंपल समझाया था भाई, अगर नोटिस उसको दिया जाता है जिसको पता ना हो, तो ये वर्ड जरूर हिंदी में लिखना बनता है। बाकी हमने कई पॉइंट यहां बनाए थे, तो एक था फैकल्टेटिव क्या है, एंडोर्समेंट है, स्टॉप क्या है, पेमेंट है, या जिसे हम कहते हैं काउंटर मैंडेट पेमेंट। देन अनट्रेसेबल है और एक्सीडेंटल क्या है, ओमिशन है। देन ड्रॉर एंड ड्रॉई क्या है, दे आर सेम पर्सन, या कोई फर्क, मैं बिल्कुल हिंदी में लिख देता हूं, बैलेंसिंग फिगर, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, सब जानते हैं। और यहां मैंने खूबसूरत आपको उदाहरण भी करवाया था, जैसे आपने चेक इश्यू किया और आपके अकाउंट में क्या है, पैसे नहीं है। देन बेटा 99 से 104 आप कह सकते हैं, ये आपने पढ़ा नोटिंग एंड प्रोटेस्ट पे। तो 99 में नोटिस था, प्रोटेस्ट 100 से 104 में था, तो आप सारे जानते हैं ये दोनों काम कौन करेगा, होल्डर करेगा, क्योंकि ये कोर्ट में क्या बन जाता है, एक एविडेंस। किस चीज का एविडेंस, कि भाई डिसऑनर हुआ है। फर्क इतना है, प्रोटेस्ट थोड़ा फॉर्मल है, उसमें क्या मिल जाता है आपको, एक अलग से सर्टिफिकेट। दोनों ही काम आपने किससे करवाने होते हैं, नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक क्या है, एक लाइसेंस लिया हुआ एडवोकेट है सरकार के द्वारा, फीस देके 5 साल के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होता। किस काम के लिए होता है नोटरी पब्लिक, ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है। हमने यहां ये पढ़ा था कि 104 में कि अगर वो फॉरेन बिल है तो इसके लिए ये क्या है, कंपल्सरी है, आपको नोटिंग प्रोटेस्ट करवाना पड़ेगा। और एक इसमें और खूबसूरत कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेते हैं, प्रोटेस्ट फॉर व्हाट, बेटर सिक्योरिटी। प्रोटेस्ट फॉर बेटर सिक्योरिटी में क्या चीज आती है, कि भाई
ये कंसेप्ट लगेगा ही किस केस में? ये लगेगा साहब बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में, और बिफोर क्या लगेगा? मैच्योरिटी डेट लगेगा। आपको क्या पता चलता है? आपको पता चलता है जो एक्सेप्टर है वो क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है, या फिर उसका क्रेडिट पब्लिकली क्या हो गया, इम्पीच, बोले तो उस आदमी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब है, सबको पता चल गया है। तो इसलिए आप नोटरी पब्लिक के पास गए किसके लिए, ताकि आप उससे डिमांड कर सकें बेटर सिक्योरिटी कि आपको ड्यू डेट पे पैसे मिले। देन बेटा 105 से 107 हमने नॉर्मल बहुत हल्का सा पढ़ा था इसके बारे में। दरअसल मैं कहूंगा ये सारे सेक्शन किस पे थे, रीजनेबल टाइम पे थे, कि टाइम हमेशा जैसे नोटिस नोटिस देना है क्या होता है, रीजनेबल होता है 105 यही कहता है, 106 बेसिकली चला गया रीजनेबल टाइम आप दे रहे हो नोटिस के लिए, नोटिस ऑफ डिसओनर हमने 94 के साथ इसे पढ़ा था, और 107 कहता है रीजनेबल टाइम में ही ये नोटिस आपने डिसओनर का क्या करना होता है, ट्रांसमिट। तो तीनों सेक्शनों में कुछ नहीं है, आप इग्नोर मार सकते हैं। देन बेटा 108 से 114 अगर आप रिकॉल करो तो ये हमने ऑनर के ऊपर पढ़े थे, या तो एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर हुई थी या पेमेंट फॉर ऑनर हुई थी। तो एग्जैक्टली बोलूं तो 108 से 112 ये था एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर, और नेचुरल है ये किसने करी थी, स्ट्रेंजर ने करी थी, स्ट्रेंजर ने करी है तो भाई उसकी क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई, उसको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन वो अपने पैसे रिकवर कर सकता है जिसके लिए उसने क्या करी, ये एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस किसके लिए कर सकते हैं, आप एक्सेप्टेंस कर सकते हैं ड्रॉर के लिए, लेकिन किसी और पार्टी के लिए भी आप कर सकते हैं। देन 113 से 114 में यही कंसेप्ट था, सिर्फ यहां क्या हो गया, पेमेंट फॉर ऑनर। और दोनों से रिलेटेड एक चीज और ये हो जाती है कि यहां एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर है या पेमेंट फॉर ऑनर है, तो यहां पे क्या हुआ हो, इंस्ट्रूमेंट एक तरह से डिसऑनर हुआ हो, उसका नोटिंग या क्या करवाया गया हो, प्रोटेस्ट। देन बेटा अब तो हाथ भी मेरे चल नहीं रहे हैं, सो 115, लेकिन नहीं लिखना तो पड़ेगा, नाच बसंती नाच। सो 115 क्या था, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। ये क्या था, अगर एज ए ड्रॉर आपको मालूम है कि ड्रॉई क्या नहीं करेगा, एक्सेप्ट, तो आपने पहले किसका नाम लिख दिया था, एक एडिशनल ड्रॉई का। देन बेटा हमने ये क्लास में 116 117 सेक्शन हमने किए भी नहीं है, तो आप इनको इग्नोर कर सकते हो, ये कुछ कॉम्पनसेशन वगैरह के रूल्स पे है, वी कैन लीव देम। देन 120 से 122 इकट्ठा देखना चाहिए, क्योंकि ये हमने होल्डर इन ड्यू कोर्स के ऊपर एस्टोपल के पॉइंट पढ़े थे। तो अगर आप याद करो 120 21 एंड 22 में क्या था, एस्टोपल लगा किस पे था, यहां थे चार लोग, चार में से तीन तो वही हो गए जो पार्टी क्या है, प्राइमरली लाइबल है, चौथा था ड्रॉर किसिस का, बिल ऑफ एक्सचेंज का। और 121 में क्या था, मेकर ऑफ प्रोमिसरी नोट पे था, प्लस किस पे था, एक्सेप्टर कह लीजिए जिनकी प्राइमरी लाइबिलिटी थी। और 122 में स्टॉपल किसके ऊपर था, एंडोर्सर के ऊपर। रीजन क्या था, क्यों लगा इनके ऊपर, ये क्या कर रहे थे, देवर डिनाइंग ओरिजिनल व्हाट वैलिडिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जबकि इंस्ट्रूमेंट बनाया किसने, इन्हीं ने, ये मना कर रहे हैं। और 121 में क्या था, ये डिनाई कर रहे थे, क्या डिनाई कर रहे थे, ये लोग डिनाई कर रहे थे कैपेसिटी ऑफ प्रायर पार्टी टू वॉट एंडोर्स, और एंडोर्सर क्या कह रहा था, ही वॉज टॉकिंग ऑफ वॉट प्रायर डिफेक्ट्स। लेकिन हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर साइन फोर्ज किए जाए तो फोर्जरी इज ऑलवेज वॉट, नलिटी। देन बेटा इसके बाद आप सारे के सारे सेक्शन चेक पे चले जाते हो बेसिकली अगर हम बात करें, और अगले सेक्शन आते किस पे हैं, क्रॉसिंग ऑफ चेक पे आते हैं। सो क्रॉसिंग ऑफ चेक पे अगर हम सीधी सीधी बात करें तो ये जाते हैं आपके सेक्शन 123 से लेके कहां तक, 131 तक।
123 क्या कहता है, कौन सी क्रॉसिंग? जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग में क्या मारी थी बेटा? दो लाइनें। 124 में क्या थी? स्पेशल क्रॉसिंग थी। स्पेशल क्रॉसिंग में क्या किया था? कलेक्टिंग बैंक का नाम लिख दिया था, उसी से पैसे मिलेंगे। 125 में क्रॉसिंग कौन करेगा? कोई भी। देन 126 में था पैसे किससे मिलेंगे? थ्रू कलेक्टिंग बैंकर, पेमेंट थ्रू कलेक्टिंग बैंकर। और 127 आपको बताया गया था कि पेमेंट इन व्हाट ड्यू कोर्स, कि हम मान लेंगे क्रॉस चेक की पेमेंट किसमें होगी है, ड्यू कोर्स में कर दी है। किसने कर दी है? पेइंग बैंक ने, चाहे वो ट्रू ऑनर को मिले या ना मिले, क्योंकि उसने तो कलेक्टिंग बैंक को पैसे देने थे। और 128 में था पेमेंट व्हाट आउट ऑफ ड्यू कोर्स, किसके द्वारा? पेइंग बैंक, जैसे उसने पेमेंट कहां कर दी? ओवर द काउंटर कर दी। ये थोड़ा सा मैंने यहां मिस्टेक कर दिया, ये बेटा 128 था, ये 129 था, 127 बीच में रह गया। 127 था स्पेशल क्रॉसिंग हुई थी मोर देन व्हाट, मोर देन वंस, और ये सिर्फ कौन कर सकता था? ये कलेक्टिंग बैंक ही कर सकता था। स्पीडी किसके लिए? कलेक्शन के लिए, कि एक ब्रांच से अनदर ब्रांच। देन 130 डेट इज नॉट नेगोशियेबल क्रॉसिंग, तो हमने कहा था इसमें क्या होगा, चेक रिमेन्स नेगोशियेबल, लेकिन जो टाइटल है किसका? ट्रांसफ्री, क्या नहीं है? नॉट बेटर, किससे? ट्रांसफरर से। और 131 में थी बेटे प्रोटेक्शन, किसको? कलेक्टिंग बैंकर को, लेकिन वो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी अगर कौन सा चेक है? अकाउंट पे ही। और यहां हमने खूबसूरत बेटा केस किया था ग्रेट वेस्टर्न रेलवे कंपनी वर्सेस लंदन काउंटी एंड बैंकिंग कंपनी, क्लियर? देन बेटा 132 और 33 हमने पढ़ा था बिल इन सेट्स, कि बिल किसमें बना दिया गया है? कुछ टुकड़ों में। हमने कहे थे ये कितने पार्ट्स हो जाते हैं? तीन। ये पुराने जमाने में होता था सेफ्टी वगैरह के लिए। तो अगर आपने जो साइन किए हैं एक्सेप्टर ने, अगर किस पे कर दिए हैं? ऑल पार्ट्स पे कर दिए हैं, तो इसको क्या मान लिया जाएगा? सेपरेट बिल, वरना एक ही मानते थे हम, राइट? देन बेटा 134 से लेके 137 भी हमने क्लास में नहीं पढ़ा था। ये कुछ इंटरनेशनल लॉस हैं, हमारे बच्चों के हालात ऐसे कि उसे नेशनल लॉ नहीं आते, तो छोड़ो इंटरनेशनल लॉस को, क्लियर है? तो इसलिए हम चर्चा नहीं करेंगे। 138 आपको याद होगा सबसे महत्वपूर्ण था, ये क्या थी? लाइबिलिटी थी, किसकी थी? सिर्फ ड्रॉर की थी, ड्रॉर ओनली, किसी और की नहीं हो सकती। कारण क्या था? डिसऑनर ऑफ चेक हुआ, और ओनली पे हमने केस किया था बेटा मुल्ला फिरोज वर्सेस सोमाया जुल्लू। तो डिसऑनर ऑफ चेक के लिए हमने यहां पांच कंडीशंस पढ़ी थी बेटा, तभी 138 में आप लाबल होंगे। पहली बात क्या होना चाहिए? कॉन्सिडरेशन। दूसरी बात तीन महीने में पेश करो। तीसरी बात इनसफिशियंसी, किसकी? फंड्स की। चौथी बात आपने ड्रॉर को कितने दिन में? 30 डेज में क्या देना है? नोटिस देना है। एंड पांचवी बात, इस ड्रॉर ने 15 दिन में फेल्स टू पे, पैसे ना दिए हों। और 139 था कॉन्सिडरेशन, क्या है बेटा? प्रज्यूम्ड इन फेवर ऑफ व्हाट? अच्छा मुझे एक मिनट, यहां कुछ याद आया, कहां याद आया? अरे तुम लोग बताते नहीं, 116 के बाद 117 के बाद मैंने सीधे 120 से 122 लिख दिया था, 18-19 तो लिखा ही नहीं। हाँ तो बोल दिया करो ना सर, ये दो रह गए हैं, तो 118 और 119 बीच में रह गया था। 118 में क्या थी? प्रजम्पशंस थी, और 119 में भी प्रजम्पशन थी। प्रजम्पशन किसकी थी? डिसऑनर की, अगर प्रोटेस्ट करवा लिया है।
और 118वें प्रेजम्पशन किसकी थी, ढेर सारी चीजें थी, कॉन्सिडरेशन था, डेट था, ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट, सब कुछ चीजें थी। तो बाय डिफॉल्ट ये रह गया था भाई, क्योंकि ये मुझे याद आया 139 से। कॉन्सिडरेशन क्या कहता है 139, परज्यूम्ड किसकी फेवर में, होल्डर के फेवर में हम परज्यूम करते हैं। लीजिए बेटा, ओके 140 बेटा, 140 में ये जो ड्रॉर है इसके लिए क्या नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मुझे तो पता ही नहीं था, क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। देन 141 ये था बेटा ऑफेंस बाय कंपनी, तो हमने कहा था ये सेक्शन अकेला कंपनी के लिए नहीं है, फर्म और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वगैरह के लिए भी है, तो जो लाइबिलिटी थी वो क्या हो जाएगी, दोनों की हो जाएगी, कंपनी प्लस उसके क्या पर्संस इन चार्ज, इन चार्ज वर्ड लेके चलना है। लेकिन हमने कहा था ये लोग बच सकते हैं, इनके डिफेंसेस थे कि विदाउट क्या है, नॉलेज है, और दूसरा एक्सरसाइज्ड क्या है, ड्यू डेलिजेंस भी मैंने तो ध्यान रखा था। और यहां एग्जम्पशंस थी नॉमिनी डायरेक्टर्स किसके, सरकार के, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के। नेचर ऑफ लायबिलिटी क्या थी, ज्वाइंट एंड सेवरल थी, आप अकेले भी एंड इकट्ठा भी लाबल हैं। देन 142 खूबसूरत था जिसके सब सेक्शन 1 में था, कोग्निजांस ऑफ ऑफेंस, तो हमने कहा था कम से कम कोर्ट क्या होनी चाहिए, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, कौन सा, फर्स्ट क्लास, वही केस चलेगा, और कितने दिन में चलेगा, एक महीने में, जब ड्रॉर ने 138 में पैसे नहीं दिए। और दो में थी ज्यूरिसडिक्शन, सिंपल दो बातें थी, क्या चेक क्रॉस्ड है या क्या है अनक्रॉस चेक है, तो अगर क्रॉस चेक है तो जहां पे कौन, कलेक्टिंग बैंक की ब्रांच, ऑब्वियसली कलेक्टिंग बैंक किसका, पेई का, जहां वो सिचुएटेड है, और क्रॉस चेक में जहां पेइंग बैंक जो है उसकी ब्रांच, जहां का चेक ड्रॉर ने इश्यू किया वहां लाइबिलिटी होगी। 143 में बेटा याद कीजिए तो समरी ट्रायल था, जिसका मतलब था फटाफट डिसीजन आ जाएगा, और कितने दिन के अंदर आ जाएगा बेटा, 6 महीने के भीतर आ जाएगा। लेकिन बेटा यहां पे दो कंडीशन थी, जेल ज्यादा से ज्यादा कितने दिन की, 1 साल की, फाइन ज्यादा से ज्यादा कितने दिन का, 5,000 का। लेकिन अगर जज साहब इससे ज्यादा देना चाहते हैं तो रिकॉर्ड करने पड़ेंगे रीजंस, फिर रेगुलर ट्रायल भी होगा और दोबारा से विटनेस को क्या किया जाएगा, रिकॉल। देन एक 143A और 148 है, उन दोनों को साथ में ले लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले ये तीन सेक्शन आते हैं 44, 45 एंड 46, मैं आपको बता दूं ये मैंने नहीं करवाए थे, एक एक लाइन के हैं। ऑब्वियसली कोर्ट में केस चलेगा तो कोर्ट की तरफ से क्या इश्यू होंगे, समन्स, आपको बुलाया जाएगा, समन कैसे इश्यू होंगे, नॉर्मल स्पीड पोस्ट से भेजा जा सकता है या किससे, कुरियर से आपको भेज दिया जाएगा कोर्ट की तरफ से, एक लव लेटर है, आइए पहुंचिए, ऑब्वियसली। और जब कोर्ट में केस चलेगा तो सबूत, वो आपने सुना होगा गीता की कसम, याद है, तो एविडेंस लिया जाता ऑन एफिडेविट, आप एफिडेविट के साथ वर्ड लिख सकते हैं ओथ, ओथ का मतलब क्या है, शपथ। और 146 में था जब भी आप बैंक जाते हो तो एक स्लिप आप फिल करते हो, तो ऑब्वियसली अगर वो स्लिप भरी हुई है तो वो कोर्ट में क्या होगा, एक अच्छा ऑब्वियसली सबूत तो होगा ही होगा। 147 में क्या था, आपने जेल से अगर बचना है तो कंपाउंडिंग हो सकती है ऑफेंस की, जिसका मतलब क्या है, पैसे दे करके केस क्या हो जाना, खत्म। और ऑफेंस से रिलेटेड अगर 138 में जाओ तो हमने लाइबिलिटी यहां लिखी नहीं, लाइबिलिटी क्या थी, आपको जेल हो सकती है मैक्स कितने साल की, 2 साल की, फाइन लग सकता है जितना, डबल द अमाउंट ऑफ चेक, और क्या हो सकता है बेटा, बोथ। यू कैन अंडरस्टैंड, इतना कुछ लिखना है बैंड बज जाता। अब इसके बाद दो ही आपके सेक्शन बचे, दोनों को इकट्ठा ही पढ़ना चाहिए, कौन सा, 143A एंड 148, दोनों साथ लेके चलना चाहिए। 143A में क्या था बेटा, यहां इंटरिम कॉम्पनसेशन दिया गया है वक्त से पहले, कोर्ट के ऑर्डर आने से पहले। और 148 में क्या था,
कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, लेकिन आप कहां चले गए हैं? अपील में। तो अपील में कोर्ट ने किस चीज का ऑर्डर दिया है? डिपॉजिट करवाओ पैसे, तभी अपील एक्सेप्ट होगी। और ये कॉम्पनसेशन कितना दिया जाएगा, मिनिमम कितना? बेटा मिनिमम नहीं था, मैक्सिमम था। यहां पे गलती मत कीजिएगा, ये है सबसे बड़ी बात। मैक्सिमम कितना? 20%। लेकिन किस चीज का? जो चेक का अमाउंट है। जबकि अपील में मिनिमम था कितना? 20%। लेकिन किसका? जो 138 में आपके खिलाफ क्या आया ऑर्डर, जितने पैसे जमा कराओ उसका था 20%। और ये पैसे आपने डिपॉजिट करवाने थे बेटा, दिन याद हो 60 दिन थे, 30 दिन का क्या मिल जाएगा? एक्सटेंशन। तो सेम यहां पे यही आंसर था। और अगर आप क्या हो गए? एक्विट हो गए, तो आपको क्या मिल जाएगा? रिफंड मिल जाएगा। अगेन टाइम पीरियड यही था, सेम हेयर, लेकिन रिफंड के साथ क्या मिलेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और वो कौन होगा? जो बिगिनिंग ऑफ क्या था? रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर, सेम ओवर हियर। और आपसे ही पैसे की रिकवरी करवाई जाएगी, जैसे सीआरपीसी में लिखा है, जैसे कोर्ट अपने क्या रिकवर करवाती है? फाइन्स। आई एम अफ्रेड विद दिस आई हैव गिवन द रिविजन, और आपको आई होप सो कुछ इससे यूटिलिटी मिले, हेल्प मिले, राइट? So I wind up over here. Thank you.